बड़ी खबर, 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, सभी सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर लागू। तो यूपी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे 6 महीने के लिए लागू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, सरकारी कर्मचारी जो एसेंशियल सर्विसेज होती है, जब उसके कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, उसके बाद 6 महीने के लिए इसको लागू किया जाता है, जिस पर एसेंशियल सर्विसेज यानी कि जरूरी चीजों पर काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं उस 6 महीने के समय में, जिसे यूपी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। बीजेपी जिला मंत्री के साथ अभद्र व्यवहार, जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों ने किया अभद्र व्यवहार, जिला मंत्री के कपड़े फाड़ने का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी जिला मंत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिला अस्पताल में पुलिस कर्मियों द्वारा ये कृत्य किया गया है, जिसके बाद तमाम बीजेपी के मंत्री धरने पर बैठ गए हैं, कपड़े तक फाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, यूपी की सियासत से जुड़ी। एमपी से अचानक लौटी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आज शाम राज्यपाल से मिलेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात, देर शाम राजभवन में मुलाकात करेंगे। आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी की ये मुलाकात राजनीतिक मायनों में कई अहम मानी जा रही है, एमपी से लौटी है। जिस तरह से लगातार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था, उसके बाद से लगातार एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लगातार ये सामने आ रही थी चीजें, उसके बाद एमपी से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची है और उनसे सीएम योगी की मुलाकात, इन चीजों को जोड़ते हुए भी कई अहम मानी जा रही है। तो देर शाम राजभवन में मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ मुलाकात करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह और अफसर आपस में भिड़े, मंत्री स्वाति सिंह ने कहा टेंडर निरस्त करो, प्रमुख सचिव का टेंडर निरस्त करने से इनकार, 1.25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का है मामला, पीएमओ तक पहुंचा पूरा मामला। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर टेंडर निरस्त कराने को लेकर स्वाति सिंह और अफसर, कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह और अफसर आपस में भिड़ गए। मोबाइल फोन का ये टेंडर है, इसको निरस्त कराने को लेकर ये पूरा मामला है, 1.25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का मामला जिस पर टेंडर पास हुआ था, हालांकि ये मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है।